वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की स्टूडियो में बात करेंगे Realme C25S जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए यार फाइनली यहां पर Android 12 और Realme 3.0 का बीटा फॉर्म को लाइव कर दिया गया है। तो आपको इस फॉर्म को अपने डिवाइस में किस प्रकार से अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के बाद आपको आपके डिवाइस में ये फॉर्म बीटा अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो सारी कुछ डिटेल्स इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते Realme C25S डिवाइस के Android 12 और Realme 3.0 अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म के बारे में। उससे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके डिवाइस में जो भी न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है उसको आपको अपडेटेड कर लेना है। आपका डिवाइस लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपके डिवाइस में रियलमी आई 3.0 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपको अपडेट करने के बाद आपको राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, ट्रायल वर्जन पर आपको क्लिक कर देना है। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको अर्ली एक्सेस शो होगा आपके डिवाइस में, उस अर्ली एक्सेस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहां पर आपको कुछ सेकंड्स देखने को मिलेंगे, सेकंड्स देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको कंटिन्यू बटन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो आप इस बीटा अपडेट को मिस कर दीजिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा। क्योंकि Realme 3.0 बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में बैटरी ड्रेन इश्यूज, हीटिंग इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज है, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, आपको अगर अपने डिवाइस में बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। उस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा आपके डिवाइस में, जहां पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा। फिर आपका फॉर्म वहां पर ट्रायल वर्जन के नीचे अंडर रिव्यू में चले जाएगा। अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपका फॉर्म एक या दो दिन के अंदर अंदर अप्रूव या फिर पास्ड होगा। फिर आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में Realme 3.0 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। उस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका डिवाइस में आपका इम्पोर्टेंट डेटा है जैसा ऑडियोस, वीडियोस, फाइल्स, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है। अगर अपडेट के साथ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आपका डेटा भी क्लियर हो सकता है। ऐसा डेटा क्लियर नहीं होता है, बट मेरा बताने का काम है। एंड डिवाइस की मतलब चार्जिंग 60% प्लस होना चाहिए। डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 10GB की फ्री स्पेस होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में इस Realme 3.0 बीटा अपडेट को इंस्टॉल करिएगा। तो यार सारी कुछ डिटेल्स शेयर कर दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।